दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो दो दिन में सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस फैसले ने कई अटकलों को हवा दे दी है। उनमें से एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इससे किसे फायदा होगा, आइए जानते हैं इन सब के बारे में इस वीडियो में। पहले जान लेते हैं कि केजरीवाल ने इस्तीफे किन कारणों से देने का फैसला किया है। पहला कारण यह है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई बेल पर हैं और उन्हें किसी भी फाइल पर साइन करने की इजाजत नहीं है। केजरीवाल सिर्फ उन्हीं फाइल पर साइन कर सकते हैं जिन्हें एलजी की मंजूरी से आगे किया जाएगा। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तें अरविंद केजरीवाल को उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का पालन करने की पूरी आजादी नहीं देता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिहाई के बाद भी वह सचिवालय या सीएम ऑफिस का दौरा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उन फाइलों के अलावा वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जिन्हें उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है। केजरीवाल सरकार को इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इससे किसे फायदा होगा। इस मामले पर राजनीति के जानकार कहते हैं कि 6 महीने बाद जहां दिल्ली में चुनाव होना है वहां राष्ट्रपति शासन लगने से केजरीवाल को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा, तब नुकसान की राजनीति भला बीजेपी क्यों करेगी। ऐसे में जवाब है ना, जाहिर सी बात है बीजेपी नुकसान वाली राजनीति तो बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे में जाहिर है कि केजरीवाल इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने और वह मुख्यमंत्री अपने किसी बेहद खास को बनाएंगे, जैसे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। आपको बता दें दिल्ली में पहले भी राष्ट्रपति शासन 16 फरवरी 2014 को लग चुका है जब केजरीवाल ने सरकार बनने के लगभग 50 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के समर्थन से उस वक्त सरकार बनाई थी। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।